2024 लोकसभा चुनाव के लिए जब हलफनामे भरे गए तो सतना के त्रिकोणीय मुकाबले में सबसे अमीर प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से चार बार से लगातार चुनाव जीत रहे गणेश सिंह। गौर करने वाली बात है कि बीजेपी के इस सांसद के ऊपर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, जिसमें पहले का आईपीसी जिसे बदलकर अब भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है उसके मुताबिक धारा 420, 468, 467, 477 ए, 188, 120 बी, 471, 166, 217, 218 और 34 शामिल हैं। आज आपके नेता में बात सतना संसदीय क्षेत्र से सांसद गणेश सिंह की। गणेश सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनावों में अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 84,949 वोट से हराया था। गणेश सिंह को 4,58,197 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा को मिले थे 3,73,748 वोट। बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनावों में इन्हीं सिद्धार्थ कुशवाहा ने गणेश सिंह को हराया था। बहरहाल गणेश सिंह की ये लोकसभा की लगातार पांचवी जीत थी। सांसद की संपत्ति की बात करें तो दिए गए हलफनामे के मुताबिक इनके पास कुल 9 करोड़ की संपत्ति है। राजनीति के अलावा गणेश सिंह किसानी और व्यवसाय भी करते हैं। 61 साल के गणेश सिंह का जन्म 2 जुलाई 1962 को सतना के खमरिया गाँव में हुआ था। शिक्षा की बात करें तो इन्होंने रीवा की अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से बीए और एमए की डिग्री ली है, साथ ही सतना के लॉ कॉलेज से इन्होंने एलएलबी की डिग्री भी ली है। राजनीति की शुरुआत लॉ कॉलेज से ही शुरू हुई थी इनके। कॉलेज में छात्र संघ के महासचिव और अध्यक्ष पद का चुनाव इन्होंने जीता था। कह सकते हैं कि पहली राजनीतिक जीत थी इनकी। साल 1989 मुख्यधारा की राजनीति में आए, जनता पार्टी से जुड़े और 1994 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ते हुए जीत हासिल की। जीत का ये सिलसिला 1999 के जिला पंचायत चुनाव में भी कायम रहा और पहला लोकसभा का चुनाव इन्होंने बीजेपी के टिकट से साल 2004 में लड़ा था। तब से लगातार ये लोकसभा के चुनाव इस सीट से जीतते ही रहे हैं। मान्यता.com के मुताबिक एमपी के इस सांसद के ऊपर 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं।